वक्फ भूमि विवाद, कर्नाटक के हावेरी में 5 लोग घायल। हावेरी, 1 नवंबर, यूएनआई, कर्नाटक के हावेरी जिले के करकौल गांव में तनाव व्याप्त है, जहां ग्रामीणों ने वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी संपत्तियों के संभावित अधिग्रहण के डर से एक विशेष समुदाय के घरों और इमारतों पर हमला किया, जिससे 5 लोग घायल हो गए। यह हिंसा बुधवार रात को हुई, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक नुकसान और समुदाय में तनाव बढ़ गया। पुलिस के अनुसार यह अशांति तब शुरू हुई जब अफवाहें फैलीं कि स्थानीय संपत्तियों, विशेषकर एक दरगाह के पास की संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे ग्रामीणों ने एक विशेष समुदाय की संपत्तियों को लक्ष्य बनाया, जिसके परिणामस्वरूप पत्थरबाजी और घरों और वाहनों की तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया, जिसमें 4 कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस KSRP पल्टन शामिल थी। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हब्बली के किम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति स्थिर है। जिला पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने जांच के लिए 32 व्यक्तियों को हिरासत में लेने की पुष्टि की और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वक्फ मंत्री बीजर जमीरा अहमद खान ने भारतीय जनता पार्टी पर वक्फ संपत्ति के दावों के बारे में डर फैलाने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वक्फ कानूनों के आवेदन का जोरदार विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि कृषि भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्तियों के रूप में लेबल किया जा रहा है। जिला आयुक्त विजय महेंतेश ने स्पष्ट किया कि सभी संपत्तियां जो अफवाहों में शामिल थीं, उन्हें आधिकारिक रूप से वक्फ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को रिकॉर्ड की पुष्टि करने का निर्देश दिया है। जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में है, अधिकारी क्षेत्र की निकटता से निगरानी जारी रखते हैं, ताकि आगे की हिंसा को रोका जा सके और समुदाय में शांति बनी रहे। सवनूर तालुक कडकोल ग्राम दल्ली वंदु गलाटे आगित्तु इदु सुमारु जन किलो जन इदु किलो मने मेले स्वल्प अटैक माड़ी असॉल्ट माड़िदरु आ प्रकरणदल्ली इदु 5 जनक्के गाय आगिदे बट इदु एल्ल जन हॉस्पिटल अल्लि अड्मिट इद्दारे एनु सीरियस गाय इल्ल उपचार तगोळ्तारे ಇದು ಒಂದು ಸುವಮೊಟೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು 30 ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು 4 KSRP ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 500 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕ ಇದೆ ಏನೋ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಐಜಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ DYSP ಅಡಿಷನಲ್ SP ನಾನು ಇದು YG ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ DC ಮತ್ತೆ CEO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದು ಬಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಗೊಳ್ಳಿ